डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। तो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरी तरह से लागू है और ये जो अतिरिक्त सुविधाएं जिसके संदर्भ में एमएचए के गाइडलाइंस के तहत जो निर्देश प्राप्त हुए उसके संदर्भ में जो अभी प्रेस ब्रीफिंग किया गया है, ये सभी जो अतिरिक्त सुविधाएं ये इस जिला में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों से आच्छादित है। तो जो भी कार्य शुरू किए जाएंगे या जो भी सुविधाएं या जो भी सेवाएं या कार्यों को छूट दी गई है उसमें किसी भी हालत में एनेक्सर वन और एनेक्सर टू में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, फेस मास्क अनिवार्य है चाहे वो अपने परंपरागत रूप में ही क्यों ना हो ग्रामीण क्षेत्र में, सैनिटाइजर अनिवार्य है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं एनेक्सर वन और टू के तहत चाहे वह विनिर्माण करने वाली कंपनियों के संदर्भ में हो, चाहे कार्यस्थल के संबंध में हो, चाहे आवागमन के संबंध में हो, चाहे ऑफिसों के संचालन के संदर्भ में, किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर डीएम एक्ट की धारा और आईपीसी की धारा 188 या अन्य जो आईपीसी की सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत जो एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में पुलिस एवं प्रशासन कार्यवाही करेगी, कानूनी कार्यवाही करेगी। ये हमारा प्राइम उद्देश्य है। अब ऐसी वातावरण में जो ये अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं, ये अतिरिक्त सुविधाओं को क्रियान्वित करने के लिए इंसिडेंट कमांडर्स के रूप में सीओ वीडियोज को जो है इसमें डीसी साहब की तरफ से एक आदेश निकाला जा रहा है और एक उड़न दस्ता के रूप में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल उनके साथ प्रतिनियुक्त किया जा रहा है ताकि ये चीजों का अनुपालन इन अतिरिक्त सुविधाओं को प्रदान करते समय किया जा सके। इसके कोई भी उल्लंघन का मामला आता है तो उस पर एफआईआर भी दर्ज होगा और उनको अभियोजित भी किया जाएगा। अतः इस मामले को लेकर बहुत ही साफ और स्पष्ट राय मतलब होनी चाहिए। अब रही बात की जो डीसी साहब ने अभी यहाँ पर कहा और जो हम लोग को निर्देशन प्राप्त हुआ है, इसके संदर्भ में अभी एक वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे सभी प्रखंड पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, एसडीओ, एसडीपीओ के साथ हम लोगों ने संयुक्त रूप से किया है और एक एक गाइडलाइंस को हम लोगों ने इसको पढ़ के जो है और इनको समझा के और जो भी इनकी क्वेरीज रही है उसका हम लोगों ने समाधान और आगे भी यह निरंतर जारी रहेगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेके क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आवागमन किसका, आवागमन के लिए किसका मतलब आवागमन। तो वैसी जो भी चीजें, जो भी गतिविधियां जो इस दिशा निर्देश के तहत जो है अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में खोलने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वैसे कार्य से जुड़े जो भी आवागमन होंगे उसको हम लोग सुगम बनाएंगे। इससे संबंधित सारे आवागमन को हम लोग सुगम बनाएंगे पुलिस पदाधिकारी के रूप में, चाहे पुलिस चेक पोस्ट हो चाहे वहां पर। तो ये जो प्रति है सभी पुलिस कर्मियों को हस्तगत करा दी जा रही है ताकि हर जगह पर पास जारी करने की जरूरत नहीं हो। अगर इसमें लिखा हुआ है कि मीडिया का कोई कर्मी है तो अलग से पास जारी करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि बीएसएनएल का कर्मी है, संचार सेवाएं, तो उसको पास देने की जरूरत नहीं होगी। ये कागज, ये जो दिशा निर्देश प्लस उसका अपना एक कोई आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाएगा, वही इसका पास है, यही उसको आने जाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आवागमन के क्रम में भी, आवागमन के क्रम में भी जो आवागमन संबंधी जो निर्देश है, आवागमन संबंधी निर्देशों का अनुपालन बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 17 में आवागमन के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई फोर व्हीलर है तो केवल एक ड्राइवर, पीछे एक व्यक्ति। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि भारत सरकार के यहां पर कई उपक्रम है,
भारत सरकार के ऑफिसेज हैं, राज्य सरकार